बहुत बड़ी अचीवमेंट है 100 एपिसोड जी। फिर टाइमिंग होने के बावजूद इतना कवरेज करना क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड। टाइमिंग खास नहीं है लेकिन लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, वो बहुत खास है। डेफिनेटली जितना हम मेहनत बहुत करते हैं ऐसे शो में, हिस्टोरिकल शो में, पीरियडिक ड्रामास जो हैं, इनमें मेहनत जो है वो एक नॉर्मल शो से, नॉर्मल सास बहू शो या कोई भी नॉर्मल फिक्शनल शो से ज़्यादा होती है। दुगनी तिगनी बार मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही आपको अपने किरदार के बारे में सोचना पड़ता है। कपड़े बहुत हैवी होते हैं, इट्स नॉट ईजी। मैं कहता हूँ हमेशा कि हिस्टोरिकल शोज ईजी नहीं होते हैं, लेकिन उनको करके जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कमाल की होती है, वो आप कुछ भी करके नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ कि मेरा बहुत सौभाग्य रहा है कि मेरा ये दूसरा हिस्टोरिकल शो है और दो किरदार मैं मानता हूँ इतने महान किरदार, एक तो पहले जो मैंने किया और अब बख्शी जगबंधु, विद्याधर महापात्र, बम्ब राय, वाह, नाम ही सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे पहली बार। और फिर करने का जब मौका मिला तो डेफिनेटली आई जस्ट थैंक द यूनिवर्स, थैंक एवरीबॉडी, माय मेकर्स, गाथा, स्टार प्लस, एवरीबॉडी कि मुझे मौका मिला। फिर फाइनली फैंस, मुझे डर था फैंस एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा, फिर फैंस ने भी एक्सेप्ट किया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल यार, आई थिंक आई एम जस्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो एक जो ग्रेटिफिकेशन है वो हर रोज़ मैं जब मैं सेट पर आता हूँ तो मैं कहता हूँ थैंक यू कि मुझे बख्शी जगबंधु उनको दर्शाने का मौका मिला, सबके सामने लाने का मौका मिला। उड़िया के एक अनसंग वॉरियर को हम पूरे विश्व कह सकते हैं, पूरे देश के सामने हम लेकर आए, तो इजी नहीं था। और मैं मानता हूँ कि ये किरदार मेरे लिए हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा क्योंकि ये किरदार एक ऐसा है जहाँ मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, घुड़सवारी में नहीं, तलवारबाजी में नहीं, लेकिन नेचुरल जो इमोशंस हैं, जो एक निजी ज़िंदगी, उनके सुख दुख के बारे में, उनकी पत्नी के साथ उनके इमोशंस क्या है, माँ के साथ क्या है, पाइकों के साथ क्या है, वो मेरे लिए इजी नहीं था। तो वो मुझे बैठ के समझना पड़ा और जब मैंने किया तो मैं बहुत, अब मैं जैसे मैं पहले अभी किससे कह रहा था कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत थक गया हूँ क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इमोशंस के और इतना इजी नहीं है। जैसे मैंने कहा ये कैरेक्टर बहुत लेयर, इसमें लेयरिंग बहुत ज़्यादा है, स्क्रिप्ट इतनी प्यारी है कि आपको सोचना पड़ता है, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया और आपने आके कर दिया, बस सोचना पड़ता है कैसे करें, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं। तो दिस इज़ बिन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी, अ वेरी मेजर लर्निंग फॉर मी। मैं इतना कुछ सीखा है मैंने इस पिछले 6 महीनों में जो आई थिंक जीवन भर मैं याद रखूँगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, इट्स बिन अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। बिल्कुल, आज जो हैं सुलगना जी, मेरी राधामणि का बर्थडे है, बस वो आएंगी जिस दिन तो हम केक भी काटेंगे, लेकिन वो हो गई, हेमल हो गई, चित्राली जी हो गई जो मेरी माँ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, बाकी जितने भी लोग हैं जिनके साथ मेरे मैक्सिमम सीन्स रहे हैं, आई रियली इन्जॉयड, बहुत ही मच्योर्ड इमोशंस के साथ कई बार डील करना पड़ा है। कुछ ऐसे इमोशंस जो शायद मैंने पहले कभी फील ना किए हों किसी बाकी मेरे किसी और किरदारों में जो मैंने अब तक जितने प्ले किए हैं, तो ये जो है किरदार रहा है ये बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रहा है। तो इस किरदार को निभाने में मुझे बहुत सोचना पड़ा है, जो मैं अब जो है कई बार मैं मुझे लगता है कि यार पता नहीं यार अब कल कैसे करूँगा, यू नो, तो एक हल्की सी वो नर्वस एनर्जी रहती है कि आप पहली बार तो हिस्टोरिकल कर रहे हैं जो कि इजी नहीं है, इट्स नॉट इजी जॉनर, और उसके बाद फिर आप ऐसा किरदार प्ले कर रहे हैं जो कि इतने लेयर्स हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कैसा होगा, फ्लेचर के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा, यू नो, तो सबके साथ में इक्वेशन कैसा होगा वो मुझे अपने दिमाग में मुझे वो प्लान करना था। और कोशिश की है कि इन 100 एपिसोड्स में मैं आप लोग को अलग अलग रंग दिखाऊँ बख्शी जगबंधु के। अब ऑडियंस जो व्यूअर्स हैं अब उन्होंने कितना इन्जॉय किया है ये आप उनसे पूछिए, लेकिन मुझे अब तक बहुत प्यार मिला है बख्शी जगबंधु के रूप में।